हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरे सदा हिर बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों में बैठकर माँ भगवती की स्तुति की पाठ किया। माँ भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमारे द्वारा किया गया जिस स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। समय माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की वेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर माँ भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। माँ भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीर्ष रूप में हमें दर्शन प्राप्त होते हैं। माँ भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके माँ भगवती के दर्शनों के लिए माँ के चरणों में उपस्थित होते हैं। माँ भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती है, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती है और माँ सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती है। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि वे शक्ति जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और उसके बिना, उसकी इच्छा के बिना कोई भी अपने स्थान से नहीं हिल सकता, एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हो सकता। उस शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। जब तक वे शक्ति हमारे शरीर में है तो जो शरीर कार्य करता है, और जिस दिन वे शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी तो जो शरीर निष्प्राण हो जाएगा। इसलिए उस शक्ति के द्वारा हमें सत्कर्म करने चाहिए, अपने शरीर के द्वारा कभी भी दुष्कर्म नहीं करने चाहिए, बुरे कर्मों में हमें मन नहीं लगाना चाहिए। और सत्कर्म करते हुए यदि शरीर के द्वारा हम दूसरों की सेवा सहायता करते हैं और वाणी के द्वारा सबका आदर सम्मान करते हैं और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए हम जीवन यापन करते हैं, तो वे शक्ति हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारा कल्याण करती है और हमारा जीवन सुखमय बनता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें धनेश्वर्य की प्राप्ति होती है और धन को महालक्ष्मी का प्रसाद जानकर कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। धन के द्वारा सत्कर्म करते हुए और दान पुण्य करते हुए यज्ञ आदि करें, तीर्थ यात्राओं में धन को लगाएं, परिवार के पालन पोषण में धन का खर्च करें और अतिथियों की सेवा तथा समाज के कल्याण के लिए हम जो धन का सदुपयोग करते हैं
तो वे धन हमारा कल्याण करता है और उस धन के द्वारा किए गए कर्म सत्कर्म बनते हैं और सत्कर्मों से ही हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है और पुण्यों के द्वारा हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे, इसके लिए धन का सदुपयोग करना हमारे लिए बड़ा ही आवश्यक है। माँ सरस्वती की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा भली भांति विचार करके हमें बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए और अच्छे कर्मों का, अच्छे लोगों का संग करके अच्छे कर्म करने चाहिए और बुद्धि के द्वारा भली भांति विचार करके जब हम सत्कर्म करते हैं तो माँ सरस्वती की कृपा हमें प्राप्त होती है। इसलिए इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ भगवती के द्वारा जो तीनों शक्ति रूप में, प्रसाद रूप में हमें शक्ति दी गई है, धन दिया गया है और ज्ञान दिया गया है, इनका सदुपयोग करने पर इन तीनों देवियों की कृपा सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, माँ भगवती की लीला अपरंपार है। माँ भगवती इस संसार में अनेक रूपों में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करती है और दुष्टों का संहार करती है। माँ भगवती सदैव हमारे ऊपर प्रसन्न रहे, इसके लिए माँ भगवती के चरणों में बैठकर हम अगर माँ भगवती की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो माँ भगवती हमारी प्रार्थना को अवश्य ही स्वीकार करती है, क्योंकि वे सर्वगुण संपन्न है। वे कभी भी इस संसार में अपने भक्तों का बुरा नहीं करती, सदैव उनके कल्याण में तत्पर रहती है। और माँ भगवती अगर प्रसन्न हो जाए तो इस संसार से मनुष्य मुक्त भी हो सकता है। देवी प्रपन्ना आरती हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, तुमीश्वरी देवी चराचरस्य। अर्थात माँ भगवती की स्तुति करते हुए देवता कहते हैं कि हे शरणागत की पीड़ा को दूर करने वाली, हे जगन की माता, इस सारे विश्व की आप जननी हो, माँ हो, प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, हे इस सृष्टि की रचना करने वाली, इस विश्व की रचना करने वाली और इसकी रक्षा करने वाली, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। तुमीश्वरी देवी चराचर से, आप ही इस सारे चराचर जगत की, ब्रह्मांड की आप निर्माता हैं, निर्माण करने वाली हैं और इसकी स्वामिनी हैं, इसलिए हे माँ भगवती हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। माँ भगवती जो है जे आधार भूता जगतस्तमेका मही स्वरूपे नजता स्थितासी अपाम स्वरूप स्थितया तो तद्दाप्यायते कृष्ण मलंगे वीरे। कि हे जन, हे माँ भगवती, हे देवी, आप इस जगत का एकमात्र आधार हो, आधार भूता जगतस्तमेका एकमात्र आधार हो और पृथ्वी के रूप में इस संसार में आपकी स्थिति है। अर्थात इस पृथ्वी के आधार के रूप में आप इस सृष्टि का जो है सृजन करती हो, क्योंकि आधार ना हो तो हम कोई भी जीव इस संसार में टिक नहीं सकता, इसलिए पृथ्वी के रूप में आप ही विद्यमान हो। और अपान स्वरूप स्थितया त्वे तत्, और जल के रूप में आप स्थित होकर सबको तृप्त करती हो और सबकी तृष्णा दूर करती हो, और दाप्यायते कृष्ण मलंगे वीरे। इसलिए हे माँ भगवती, आपके अतुल पराक्रम का कोई भी पार नहीं पा सकता, अर्थात आपकी लीला जो है वे अपरंपार है। इसलिए हे माँ भगवती हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारा कल्याण करो। माँ भगवती के चरणों में बैठकर यदि हम माँ से इस प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं, माँ से विनती करते हैं,
तो माँ भगवती हमारा कल्याण अवश्य करती है। और आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आरती के समय और माँ के चरणों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। इन पलों का लाभ लेते हुए हम माँ भगवती के चरणों में भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करेंगे कि अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशम्मया दासो यमिति माम मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। हे माँ भगवती, हम दिन रात हजारों प्रकार के अपराध पाप करते रहते हैं और माँ भगवती आज हमें आपकी कृपा से और हमारे पुण्यों का उदय हुआ है और आपके चरणों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। और हे माँ भगवती, इस समय हम आपके चरणों में दास भाव के रूप में आपके चरणों में उपस्थित हैं। इसलिए हे माँ भगवती, हम यही प्रार्थना करते हैं कि आज तक हमारे से जो भी अपराध हुए हैं, जो भी कोई त्रुटियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, उन्हें क्षमा करना। भविष्य के लिए हमें ऐसी बुद्धि दो कि हम सदैव आपके नाम का जप करते रहें, आपके कीर्तन करते रहें माँ भगवती, और हमारे अपराधों को क्षमा करके हमारा कल्याण करो। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे माँ भगवती, हम आपका आवाहन करना नहीं जानते, आपको कैसे अपने निकट बुलाया जाए ये विधि मैं नहीं जानता, और ना ही हम आपका विसर्जन करना जानते हैं, ना ही हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान है, ऐसी कोई पूजा की विधि है जिसके द्वारा आपकी आराधना की जाए, वे विधि भी हम नहीं जानते। इसलिए आपके चरणों में बैठकर जो भी टूटे फूटे शब्दों में आपकी हमने स्तुति की है, उस स्तुति से आप प्रसन्न होकर हमारा कल्याण करो। हे माँ भगवती, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी जत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तुमे। बिना मंत्रों के, बिना क्रिया के और बिना भक्ति के जो हमने आपकी स्तुति की है, क्योंकि हमें कुछ नहीं आता, हम किन शब्दों में कैसे आपकी स्तुति करें, वे शब्द भी हमारे पास नहीं है। इसलिए जो कुछ भी टूटे फूटे शब्दों में आपके चरणों में बैठकर आपकी स्तुति की है, उसी से आप प्रसन्न हो जाओ और हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर हमारे मन के भाव को आप स्वीकार करो। हम आपकी आपका आशीर्वाद चाहते हैं माँ भगवती, आप सबका कल्याण करती हो। अपराध शतम कृत्वा जगदम्बे इति चोचरे याम गतिम संभावनोति नताम ब्रह्मा दया सुरा। हे माँ भगवती, सैकड़ों अपराध करके भी अगर कोई भक्त आपके चरणों में उपस्थित हो जाता है और आपकी कृपा से उसके मुख से जगदम्बा नाम का अगर उच्चारण हो जाता है, तो एक बार जगदम्बा नाम के उच्चारण से आप प्रसन्न हो जाती है और उस अपने दास को वे गति प्रदान करती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए हे माँ भगवती, आप अपने बच्चों का सदैव ध्यान रखती हैं, कल्याण करती हैं। सापराधो अस्मि शरणम प्राप्तस्ताम जगदम्बिके इदानी मनुकंप्योहम यथेच्छसि तथा कुरु। हे माँ भगवती, हम उन अपराधों के सहित आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं और यद्यपि हमारे अपराध जो है वे क्षमा करने लायक नहीं है, परंतु माँ जो है वह बच्चा अगर कितनी भी गलती करके उसके चरणों में आकर क्षमा मांग ले तो माँ भगवती उसे अपने हृदय से लगा लेती है। इसलिए हे माँ, हमसे जो भी भूल हुई है उसे माफ करना और अपने चरणों की शरण हमें देना। इस प्रकार हे माँ भगवती, हम आपकी शरण में आए हैं, आप जैसा उचित समझे वैसा हमारे साथ व्यवहार करें।
अज्ञानाद् विस्मृतेर् भ्रांत्या यन्न्यूनम् अधिकम् कृतम् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देवी प्रसीद परमेश्वरी। हे माँ भगवती, आपके चरणों में बैठकर जो हमने स्तुति की है इसमें कई प्रकार की त्रुटियां रह गई हैं, जाने अनजाने में बहुत सी त्रुटियां रह गई हैं और हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हम कुछ नहीं जानते, इसलिए उन त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर उनको क्षमा करते हुए हमारे ऊपर आप प्रसन्न हो जाओ और हमें अपना आशीर्वाद दो। कामेश्वरी जगन माता सचिदानंद विग्रहे गृहानार्चा मिमाम प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। हे माँ भगवती, कामनाओं की पूर्ति करने वाली हे कामेश्वरी, इस संसार की जगजननी के रूप में आप जगन माता होकर स्थित हो और सचिदानंद स्वरूपा हो, सदैव आपका मुख जो है प्रसन्नता से भरा रहता है और आप भक्तों के ऊपर दया करने वाली हैं। गृहान आर्चा मिमाम प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। हमारे द्वारा जो स्तुति की गई है उसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। भूयाति गुह्य गोत्री तम गृहान आस्मत कृतम जपम सिद्धिर भवतु मे देवी त्वत् प्रसादात् सुरेश्वरी। हे माँ भगवती, आप सबके मन की बात को जानती है, गुप्त से गुप्त रहस्य आपसे छुपा नहीं है, इसलिए आप सब कुछ जानती है, किसके मन में क्या विचार है, क्या भाव है, क्या उद्देश्य लेकर हम आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं। हे माँ भगवती, इस प्रकार हम जो भी हमारा उद्देश्य है हमें आपके सामने रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप हमारे मन की बात जो है वह बड़े दूर से ही पहचान लेती हैं कि हमारे मन में क्या है। इसलिए हे माँ भगवती, जिस उद्देश्य को लेकर हम आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं उसमें आप अवश्य ही सिद्धि हमें सफलता देंगी, उसमें सिद्धि प्रदान करेंगी, जे हमें पूर्ण विश्वास है और आपके आशीर्वाद से हमारी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। हे माँ भगवती, क्योंकि बच्चा जब रोता है तभी उसे माँ की याद आती है और माँ का ध्यान सदैव बच्चे की ओर लगा रहता है कि बच्चे को अगर कोई कष्ट हो जाए तो एकदम दौड़ के उसके पास आ जाती है। आज हम आपके बच्चे आपके चरणों में आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे माँ भगवती, आप इसी स्तुति से प्रसन्न होकर हमारा कल्याण करो। कुपुत्रो जायेत क्वचित अपि कुमातन भवति, पुत्र भले ही कुपुत्र क्यों न हो जाए माँ कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए माँ भगवती, मत समापात की नास्ति पाप गणी तुत्समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा करूं। हे माँ भगवती, इस संसार में हमारे जैसा कोई पापी नहीं है और आपके जैसा हमारे पापों का नाश करने वाला कोई दिखाई नहीं देता, दूसरा कोई नहीं है, इसलिए आप जैसा उचित समझे वैसा हमारे साथ व्यवहार करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल सांचे दरबार। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार माँ भगवती के चरणों में आकर जो भी भक्त इस प्रकार से स्तुति करता है माँ भगवती उसे आशीर्वाद देकर उसके सारे कार्य सिद्ध कर देती है। और माँ भगवती का एक नवार्ण मंत्र है जिसका प्रतिदिन जाप करने से माँ भगवती की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है और जिस घर में इस मंत्र का जाप होता है उस घर में कभी भी किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होता, कोई विघ्न उपस्थित नहीं होता और सबके साथ प्रेम भाव बना रहता है। और माँ भगवती के इस मंत्र का जाप करने से परिवार में सुख समृद्धि होती है और रोगों का नाश होता है और सभी भक्तजन माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए
पवित्र मन से इस शक्तिशाली मंत्र का जाप करेंगे, माँ भगवती के जयकारे के साथ